उसके बाद वो मेरे आइसोलेशन मुझे फिर प्राप्त हुई। वो 2000 मुझे तब मिले जब सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई काम रोजगार नहीं था, मेरे पति भी सरकारी नौकरी पर नहीं है। वो 2000 से मुझे बहुत सहायता मिली। तो आप देख रहे हैं कि ये रैली का स्थल है और हाथ में आप सभी के तिरंगा है, तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं। छोटी नहीं बहुत बड़ी साबित होती है। आर्थिक सहायता से क्या होता है, एक उसको न्यूट्रिशनली हम साउंड कर रहे हैं और हम इसको टीकाकरण तक कवर करते हैं, जिससे कि देश का प्रगति हो सके। अगर बच्चा स्वस्थ है, माँ स्वस्थ है, तभी देश स्वस्थ है। ऑनलाइन सेशन, जागरूकता शिविरों का आयोजन जैसे कुछ कदमों से गर्भवती महिलाओं और माताओं तक सही जानकारी पहुंचाई जा रही है। तो इसी तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है। ये रैली स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा है और जोश यहां पर अलग देखने को मिल रहा है। तो ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इस तरह की जो तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, तो ये आप देख रहे हैं कि चाहे महिला मोर्चा हो, सभी ने जो है हाथों में तिरंगे यहाँ पर लिए हैं और जोश यहाँ पर देख रहा है कि जोश अपने जो प्रिय नेता के आगमन पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तक ये लगभग असंभव था। इस समुदाय को स्वरोजगार देने का सपना था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, और ये साकार हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोकार्पण से। मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी, इसी तरह के तिरंगे सब जगह है और तिरंगा हाथों में। इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण की सुविधा दी गई। 50,000 रुपए तक के लिए शिशु ऋण, 50,000 से 5,00,000 रुपए तक के लिए किशोर ऋण और 5,00,000 से 10,00,000 रुपए तक के लिए तरुण ऋण। इसमें से शिशु ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की बढ़ती संख्या ने ये साबित किया कि छोटी से छोटी जरूरतों वाले व्यवसायियों को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ है। जन जन तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की पहुँच को बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अल्प वित्त संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित किया। तो हाथों में तिरंगा है, हाथों में कमल का फूल है और यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर किए जा रही है और इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय नेता का। तो ये रैली स्थल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में उत्साह है। राशि की निकासी भी रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से आसानी से हो जाती है। इतना ही नहीं, तो पूरा जो है रैली स्थल भर चुका है, हाथों में लोगों के तिरंगा यहाँ पर है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। के अवसरों को बढ़ाया बल्कि करोड़ों देशवासियों को व्यवसाय का मार्ग दिखाकर आत्मनिर्भर बना। लगातार तस्वीरें आप। तो ये पूरी तस्वीर है रैली स्थल की, पूरी जायजा हमने आपको सुबह से बता रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर माहौल बना हुआ है, कितने जो लोग यहाँ पर अब पहुंचे हैं। अब हाथों में तिरंगा भी है और तिरंगे के साथ यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और आपको बता दें कि रैली स्थल लगभग पूरा भर चुका है, जो लोगों की जो आवाजाही अभी भी यहाँ पर है, लोगों की आवाजाही काफ़ी है यहाँ पे और सारे ब्लॉक जितने ब्लॉक है वो तकरीबन अभी तक भर चुके हैं। ऐसी लाखों लोगों की जीविका को पुनर्जीवित करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री बेगर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत। इसी तहत
स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक का लोन लेकर अपना व्यापार नए सिरे से शुरू कर सकता है। पहले कर्ज के भुगतान पर वो दूसरे और तीसरे चरण में 20,000 रुपए और 50,000 रुपए का लोन ले सकता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 40% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं। स्ट्रीट वेंडर नगर निकाय कार्यालय या पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए किसी भी सिक्योरिटी अथवा कोलैटरल की आवश्यकता नहीं। लोन की राशि समय से लौटाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपए तक का प्रति माह कैश बैक दिया जाता है। लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि ने लाखों